नहीं जा रहे हैं या करा दिया है? सर 2 बजे की बात है, 2 बजे कराने जा रहे हैं सर। तो हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी बहाने कम से कम केस आगे बढ़ेगा, भला होगा। बहुत ही मुबारक मौका है, 75 वर्ष का सफर तय करते करते कहाँ पहुँच गए। आज SMS जो है एम्स के तरह एक इंस्टीट्यूट खड़ी हो गई है देश के अंदर। COVID-19 में दिखा दिया है कि SMS की जो प्रतिष्ठा है, जो औरा है, और जिस प्रकार इन्होंने सेवा करी है RUHS ने और SMS ने, वो तारीफ़ काबिल है। आज पूरे देश भर के, दुनिया भर के जो डॉक्टर्स 47 के पहले बैच के लोग थे, वो तक यहाँ आए हैं। तो इतना सबको गर्व महसूस हुआ, बल्कि हम लोगों को गर्व महसूस हुआ कि राजस्थान में 75 वर्ष का सफ़र तय करते करते आज SMS दुनिया में नाम कमा लिया है। इसलिए सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ सबको। सर बड़ी बात कही है आपने, राइट टू हेल्थ की तरह राइट टू सोशल सिक्योरिटी की बात कही है आपने, केंद्र सरकार से उम्मीद की इस तरह का बिल लेके आए सर? देखिए, लाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हिंदुस्तान के हर नागरिक को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जिंदगी आराम से बसर कर सके अंतिम सांस तक आदमी। ये मैंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है, बार बार मैं अपील कर रहा हूँ कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाए पार्लियामेंट के अंदर, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी लेके आई थी उस जमाने के अंदर, RTI लेके आई, माँ नरेगा लेके आए, फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, एक के बाद एक कानून बनाए, उसका लाभ पूरे देशवासियों को मिल रहा है आज। उसी ढंग से एक कानून बनना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी एक्ट का बनना चाहिए। सर आपने अभी तो ऐसा भी चल रही है। सर आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि बेसिकली अधिकांश प्राइवेट अस्पताल के रूप में काम करते हैं। ये जो है ना, ये शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोग समझते नहीं है, चल रहा मामला, परंतु ये कोई कॉमर्शियल काम नहीं है, ये कॉमर्शियल काम नहीं है, ये सेवा के काम है संविधान के अंतर्गत भी। इसीलिए सोसाइटी और ट्रस्ट बना के काम करते हैं, अच्छी बात है। कई लोग अच्छा काम करते, कई प्रबंधकों का तो कोई मिसाल ही नहीं है, उन्होंने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया देश में भी, प्रदेश में भी, दुनिया के अंदर भी। ऐसी संस्थान भी है देश में भी, प्रदेश के अंदर भी है, उनकी मैं तारीफ भी करता हूँ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हों, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे कुछ संस्थाएँ हों, स्कूल हो, कॉलेज हो, होना चाहिए, परंतु ये कमाई का साधन नहीं हो सकता। और उसके बावजूद भी जो आप जिस प्रकार का राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हो, मैं उचित ही मानता हूँ। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आपकी जो शंकाएँ हैं, वाजिब शंकाओं को हम दूर कर देंगे, हम भी नहीं चाहेंगे आप इनसिक्योर फील करो, आप ही सेवा का काम कर रहे हो, हम चाहेंगे आपकी सेवाओं का उपयोग समाज को मिले, सरकार आपके साथ में खड़ी मिलेगी आपको, परंतु अनावश्यक विरोध करना उचित नहीं है मेरा मानना। सर केंद्रीय मंत्री ने आज बयान आया है सर, उनका कहा है कि मानहानि का दावा पेश कर रहे हैं आपके खिलाफ मानहानि का दावा पेश करने की बात कर रहे हैं सर, गजेंद्र सिंह दिल्ली कोर्ट में आज पेश कर रहे हैं मानहानि दावा, मानहानि का मुकदमा करा दिया है सर, 2 बजे की बात है, 2 बजे कराने जा रहे हैं सर। तो हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी बहाने कम से कम केस आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं, उनका पैसा डूब गया है, किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है, वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है, यहाँ पे गबन हुआ है, कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद मुलजिम हैं, उनकी पत्नी, उनकी साला, उनके पिताजी का नाम है और उनकी माताजी का देहांत हो गया। हम उनको भगवान ने प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परंतु वो तो हकीकत है, ये आज तक जबान नहीं खोली इन्होंने। आज ये केंद्रीय मंत्री बने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए थी कि
कि मैं मंत्री बनने के बाद मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ करके सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो, या संजीवनी के जो लोग जेलों बैठे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके लिए सहयोग करते। ईडी ही सिर्फ जब्त कर सकती प्रॉपर्टी को, एसओजी नहीं कर सकती है। मैडम अभी तक जब्त कर लेते प्रॉपर्टियों को, बेच करके कुछ पैसा चुका दे, पूरा पैसा नहीं मिलता। वो कहते थे आप तो हमें आंखों में आंसू आ गए हम सबके, जब वो आए जोधपुर में और जिस प्रकार जयपुर में आए थे, बूढ़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग महिलाएं, कुछ सोच नहीं सकता। उनकी सारी कमाई इकट्ठी की हुई, बेटियों की शादी करनी, ये लोग क्या क्या किसे बताएं, वो सब लोग बेचारे रो रहे थे। इनको उनमें उनके आंसुओं पे भी शर्म नहीं आती, इनको दया भी नहीं आती। इनको चाहिए वो तो करे, मानानी के अच्छा लगेगा, इसी माने के आगे बढ़ेगा तो गरीबों का इश्यू नेशनल लेवल बनेगा। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी तक बात जाए, अमित शाह जी तक बात जाए। अमित शाह जी खुद कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं, उनके अंदर भारतीय सोसाइटी है, ये मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी हैं, ये जो ये गबले किए इन्होंने स्टेट की होती, हम उस ढंग से निपटते इनसे। ये निपटने का काम केंद्र सरकार का है। 5 बार हम लिख चुके हैं ईडी वालों को, भाई आप कम से कम हमें सब इन्फॉर्मेशन दो, इस केस को ले, लेकिन नहीं रहे। बोलो छापे डाले हिंदुस्तान भर में ईडी वाले, ये छापे का केस तो परफेक्ट है। आप केंद्रीय मंत्री ये कैसे रह सकता है? मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री नॉलेज में नहीं आया चाहिए इतना बड़ा घपला। ऐसे घपलेबाज को आप कैसे रखते हो आप अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये सवाल है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये तो हकीकत है, कागजों में है, पेपरों में है, कोर्ट के अंदर है, हाईकोर्ट के अंदर है, लिक्विडेटर बैठा हुआ है, केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बैठाया हुआ है, ये तो पूरा केस बना हुआ है ना। अब आप बताइए उसमें इस आदमी को शर्म ही नहीं आ रही है कि मैं कैसे सबको बुला के बात करूँ। हमारा सहयोग चाहिए, हम सहयोग देंगे इनको, पर वो तो आगे नहीं आ रहे हैं। अगर वो चाहें तो हमारी सरकार उनको सहयोग कर सकती है, अगर वो चाहते हैं कुछ किस प्रकार से हम सब मिलके उनका चुकारा करें। मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी, हकीकत तो बताना पड़ेगा, हमारा फर्ज है। वो हमसे पूछते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा बताना हमारा फर्ज बनता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा आप फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट आपको पूरा सहयोग देगी। आप पैसा दिलवाई गरीबों को, वो कहते हमारा ब्याज गया भाड़ के अंदर, आप तुम्हारा मूल पैसा दिलवा दीजिए, कम से कम अपनी बेटियों की शादी कर लें। एक आदमी बूढ़े आदमी है, 5 रजिस्ट्रेंट लगने हैं, उसे जिद पकड़ रखी है बेटे के साथ, बेटा क्या मैं करवा दूंगा आपका स्टैंड लगवा दूंगा, वो कहे नहीं नहीं मुझे वो पैसा वापस मिलेगा उसी पैसे से मैं स्टैंड लगवाऊंगा। ऐसे ऐसे किस्से कहानी हैं, तो अच्छा है, मैं तो स्वागत करूंगा अगर वो मेरे खिलाफ केस करते हैं, इसी बहाने उन गरीबों का भला होता हो तो मुझे अच्छा लगेगा। सर, गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन किया है अभी रिसेंटली कॉपरेटिव डिपार्टमेंट ने कि जो कॉपरेटिव सोसाइटीज में फ्रॉड होता है उसके मामले सभी अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उन कोर्ट्स में जाएंगे ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके, कोर्ट्स के जरिए न्याय मिल सके। फर्स्ट टाइम ये प्रोविजन राज्य सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग ने भी रिसेंटली दिखवा देंगे, उसको भी दिखवा देंगे, जो भी हो सकता होगा। खाली संजीवनी की बात नहीं है, आदर घोटाला है सिरोही का बड़ा घोटाला, वो भी है, जितने घोटालेबाज हैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है। सर, भाजपा आपका आज शक्ति प्रदर्शन दो जगह पर किस तरह देखता है, शक्ति प्रदर्शन को एक तरफ तो जानदरी मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ यौन उत्पीड़न, किस तरह देखते हैं भाजपा के इसे? भाजपा वालों की तो बात छोड़ो, इनके आपस में जो प्यार मोहब्बत है वो उनको सलामत हो, उनको वो उनके ऊपर है, हम उसमें पंचायती नहीं करना चाहते हैं, उनके घर का मामला है, इसलिए उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। हम तो अपना काम करते हैं, हमने जो बजट पेश किया है, हम जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आए हैं, हम महंगाई के अंदर राह देने के लिए, अगर आप रिसर्च करो हमारे बजट की, मीडिया वाले भी जो करते नहीं है, कम करते हैं, कुछ लोग करते हैं, पत्रकार लोग भी, आप तो छोड़िए, आप तो डिस्कशन कर लेंगे, करना भी चाहिए आपको, पत्रकारों को चाहिए रिसर्च करे कि महंगाई के ज़माने के अंदर हमने जो इस बार बजट पेश किया, पिछला बजट भी पेश किया, उसका मर्म यह है कि महंगाई की मार हर परिवार पे कम कैसे हो, किसी में ज़्यादा किसी में कम कम हो रही है। और आप देखेंगे जो हमारे फैसले लागू होंगे बजट पास होते ही,
एक अप्रैल से जब महीने लगेगा आपको 500 रुपए का सिलेंडर, तब मालूम लोगों को एहसास होगा, गरीबों को। इसे कहते हैं महंगाई कम करने का प्रयास करना, ये मैं कह सकता हूँ।